नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो भी रेजिडेंशियल के प्राइस में। और आप 5 करोड़ रुपए लगा के 5 लाख रुपए महीने तक का रेंट ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो। क्योंकि जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो दो ही चीज़ें आप देखते हो। पहली चीज़ तो भाई आपका कैपिटल एप्रिसिएशन की जो आपका प्रॉपर्टी का दाम है वो बढ़ना चाहिए। सेकंड चीज़ हो गई आपको वहाँ से अच्छा खासा किराया आना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल 100% गारंटी मिलेगी। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। और इसके अगर मैं लोकेशन की आपको बता दूं, बट लोकेशन बताने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली NCR का जो सबसे बड़ा मॉल है वो कहां पे है? NH8 पे, दैट इज एम्बियंस मॉल। दिल्ली NCR का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो किस लोकेशन पे है? अगेन जवाब आता है NH8 एरोसिटी। थर्ड, सबसे बड़े अगर मैं कमर्शियल डेवलपमेंट की बात करूँ, ऑफिस स्पेस की बात करूँ, वो कहाँ पे है? अगेन NH8 साइबर सिटी। अगेन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दिल्ली NCR का सबसे बड़े जो होटल्स हैं वो कहाँ पे हैं? अगेन जवाब आता है NH8। क्यों? लीला वहाँ पे है, रेडिसन हो गया आपका, हयात हो गया, सारे के सारे होटल्स कहाँ पे हैं? NH8। और अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात करूँ दिल्ली NCR की, वो कहाँ पे? अगेन NH8 IMT मानेसर। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है? अगेन NH8। तो ये जो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो इसकी सबसे बड़ी USP है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। क्योंकि इसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल बैंग ऑन NH8 है, जो कि एक इसको बहुत ही हॉट सेलिंग प्रपोजिशंस बनाती है। और यहाँ पे अगर मैं कैचमेंट की बात करूँ, जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट है NH8 पे, आसपास लगभग 1 लाख फैमिलीज रह रही हैं। और जो NH8 है यहाँ पे डेली 2 से 3 लाख गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं एक साइड, जब आप दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हो, जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हो। और जो आपका जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे है, मुंबई जाना हो तो सबसे सारे लोग कौन से एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हैं? अगेन NH8 को। तो इस लोकेशन की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि NH8 पे है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आपका पास फ़ायदा क्या रहता है इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहली लाइन में बताया, आपको कमर्शियल स्पेस मिलता है। और वो भी प्राइस किस पे? रेजिडेंशियल के प्राइस पे आपको ये मिलता है। और ना सिर्फ मिलता है, मैं आपको बकायदा इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन शो करूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कैलकुलेशन के साथ साथ शेयर करूँगा इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI क्या आता है। और अगर आप, मैं बात करूं यहाँ पे इसको, अगर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो, इनकेस अगर आपको इसको रेंट पे देना है या इवन खुद के ऑफिस स्पेस यूज़ करना है, दुकान ही यूज़ करनी है, तो दिल्ली NCR का तो सबसे बड़ी SU मार्केट थी वो थी सेक्टर 29, जहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्होंने किराया वहाँ पर काफ़ी अच्छा आता है। अगर पूरी बिल्डिंग की बात करूँ तो 10 लाख रुपये के आसपास किराया आता है, एक फ्लोर की बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपये किराया आता है। सिमिलर प्रपोजिशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर आपके पास प्रोविज़न होता है, आप बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड फ्लोर आएगा आपके पास, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर आप बना सकते हो। और चाहो तो हर एक को अलग अलग किराए पे दे सकते हो, और चाहो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा प्रोविज़न हो सकता है कि हर एक फ्लोर को आप सेपरेटली रजिस्ट्री करवा के उनको सेल भी कर सकते हो। तो आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट बड़ा बूस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैलकुलेशन। तो अभी चलते हैं हम कैलकुलेशन पे, एग्जैक्टली देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का जो पूरा एरिया है वो कितना है। इसके अंदर 2 साइज हमारे पास अवेलेबल है, 74 स्क्वायर यार्ड, 74 गज और 104 गज। मैं आपको 104 गज के भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि क्या आपको लगाना है और क्या आपको एग्जैक्टली मिलेगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 104 गज का ये प्लॉट है,
यानी कि 104 गज का मतलब हो गया लगभग 943 स्क्वायर फीट के आसपास की आपको एक फ्लोर पे एरिया मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे 4.26 का FAR है तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4016 स्क्वायर फीट आपको मिलता है चार फ्लोर के अंदर, प्लस बेसमेंट का एरिया भी मिलता है आपको 943 स्क्वायर फीट। तो टोटल हमारे पास एरिया आ जाता है 4958 स्क्वायर फीट के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 5000 स्क्वायर फीट। अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ यहाँ पे तो एट प्रेजेंट 4,12,000 रुपये के आसपास का रेट है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज आ जाता है वो आ जाता है 4,31,00,000 रुपये। प्लॉट की वैल्यू हो गई आपकी 4,31,00,000 रुपये, प्लस अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मान लूँ कि आप पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, 4,958 पर स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 75,00,000 रुपये के आसपास हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो टोटल वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी लगभग 5,05,00,000 रुपये के आसपास। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई इंक्लूडिंग प्लॉट एंड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे जो कैचमेंट है 1,00,000 फैमिलीज़ की, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लगभग एरिया है हमारा 5,000 स्क्वायर फीट, 4,958 स्क्वायर फीट। अगर मैं कम से कम मरे से मरा 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंट भी लेता हूँ तो लगभग 4,95,000 रुपये के आसपास का किराया आता है। और अगर मैं साल के रेंट की बात करूँ तो लगभग 60,00,000 रुपये के आसपास का किराया आ जाता है 12 महीने के अंदर। तो 60,00,000 रुपये का किराया एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 5,00,000, तो ये रिटर्न आ जाता है लगभग 12% का। तो 12% का यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है आपको। और कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो लगभग 7% के आसपास ये प्रॉपर्टी कैपिटलाइज होती है, और ये आपको एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है एट द रेट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 100% कवरेज आपको मिलती है इस प्लॉट के अंदर, और एक जड़ के साथ आपको प्लॉट मिलता है। तो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप 5,00,000 लगा के 5,00,000 रुपये पर मंथ का रेंट आप ले सकते हो। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इस पूरी ट्रांजेक्शन को स्मूथली हैंडल करने के अंदर। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साइट विजिट आप ब्लॉक कर सकते हो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। मिलता हूँ अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।